Hey guys, welcome back to our YouTube channel. तो चलिए शुरू करते हैं वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम सेकेंड वीक ऑफ मई से YouTube के वीडियोस बनाना शुरू करेंगे एंड उसे कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें उसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन आवर लेटेस्ट मार्केट आउटलुक एट 18,100 जो प्रकाश सर ने किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत देखा एंड उसकी सराहना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते हैं हम कि अब आगे आने वाले वीडियोस में भी आप इतना ही समर्थन देंगे। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है कि आगे आने वाले 1 महीने में या शॉर्ट टर्म में अराउंड 1 to 3 month का अगर आपका व्यू है और आपको पता नहीं है मार्केट में क्या करना है, कौन से सेक्टर पे बेट करना है, फेड का क्या रवैया है, अडानी का जो इशू चल रहा है, पुतिन के ऊपर जो अभी क्रेमलिन में एक अटैक हुआ था उसका क्या असर होगा मार्केट पे, बैंकिंग क्राइसिस जो यूएस में है, या कौन से मार्केट्स के स्टॉक्स हैं या सेक्टर हैं जो आने वाले टाइम में परफॉर्म करेंगे, उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर हम शुरू करें तो ग्लोबल मार्केट से अगर हम शुरू करें तो यूएस स्टॉक्स रैलीड ऑन फ्राइडे एंड अराउंड 1.65% का गेन आया डाउ जोन्स में। एंड ये अराउंड 6 जनवरी के बाद ये हाईएस्ट सिंगल डे गेन है। ने एप्पल का रिजल्ट डाउ जोन्स रैलीड डाउ जोन्स का 1.65% की रैली का सबसे बड़ा रीजन था एप्पल के रिजल्ट। एप्पल सर्ज अराउंड मोर देन 4% आफ्टर अपबीट रिजल्ट्स एंड ऑल्सो यूएस जॉब डेटा पॉइंटेड टू अ रेजिलियंट लेबर मार्केट। एंड यही बुलिश मोमेंटम को देखते हुए जो रीजनल बैंक्स पिछले 4 दिन से यूएस मार्केट्स में गिर रहे थे, उन्होंने भी एक रिबाउंड, उसमें भी हमें एक रिबाउंड देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट का ये मानना है कि ये एक जस्ट ओवरसोल्ड मार्केट से डेड कैट बाउंस था। अगर हम एप्पल के रिजल्ट की बात करें तो एप्पल का क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से इन्वेस्टर्स में जो रिसेशन का पोटेंशियल रिसेशन का एक डर था वो जाता हुआ दिखा। एप्पल का शेयर ऑलमोस्ट अपने एप्पल का शेयर ऑलमोस्ट हिट इट्स हाईएस्ट लेवल इन अबाउट ऑलमोस्ट आई थिंक 9 months एंड 4.7% ऊपर ये बंद हुआ ऑन फ्राइडे। हम लेबर मार्केट की बात करें तो इन्वेस्टर्स हैव बीन वरीड दैट द रेट हाइक्स मे इवेंचुअली पुश द इकोनॉमी इनटू रिसेशन, बट यूएस लेबर डिपार्टमेंट रिपोर्ट जस्ट शोड दैट जो लेबर मार्केट है जस्ट शोड जॉब ग्रोथ एक्सलेटर इन अप्रैल एंड वेजेस अगेन्स इंक्रीज सॉलिडली। आई मीन जॉब भी इंक्रीज हुई है एंड वेजेस भी इंक्रीज हुए हैं डिस्पाइट रिसेंट रेट हाइक्स फ्रॉम फेडरल रिजर्व। सो जो एक रिसेशन का खतरा मंडरा रहा था मार्केट्स पे उसको नेगलेक्ट करके यूएस के मार्केट्स एप्पल के रिजल्ट्स की वजह से या एम्प्लॉयर डेटा की वजह से एंड रीजनल बैंक्स के रिबाउंड की वजह से ऑन फ्राइडे अराउंड 1.65% ऊपर बंद हुए। S&P 500 की बात करें तो 1.85% ऊपर बंद हुआ। NASDAQ 100 2.25% ऊपर बंद हुआ। अगर हम ग्लोबल मार्केट में और डैक्स की बात करें जर्मनी के मार्केट की तो वो 1.44% ऊपर बंद हुआ। फुटसी यूके का मार्केट अराउंड 0.98% ऊपर बंद हुआ एंड कैक फ्रांस का मार्केट अराउंड 1.26% ऊपर बंद हुआ। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड पिछले कुछ दिनों से अराउंड अप्रैल से हमारे मार्केट्स में रैली की जो सबसे बड़ी वजह थी ब्रेंट क्रूड का क्रैकडाउन अराउंड 87-88 डॉलर से लेके ये नॉन स्टॉप गिरा है 70-71 डॉलर तक। एंड जैसा कि आपको पता है हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं एंड क्रूड के गिरने से जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है
अगर हम बात करें इंडिया मार्केट, इंडियन मार्केट्स में, तो ब्रेंट क्रूड अगर 75 डॉलर, 75-76 डॉलर के नीचे रहता है, तो आपको पेंट पेंट के स्टॉक्स एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में अगले कुछ दिनों में हो सकता है आपको अच्छी बढ़त देखने को मिले। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आके एक रिबाउंड लेने की कोशिश कर रहा है। तो टिल द टाइम इट इज बिलो 75 डॉलर्स, इंडियन मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एंड ब्रेंट क्रूड एट 75-73-74 डॉलर इज पॉजिटिव फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड पेंट कंपनीज, ऑल्सो टायर कंपनीज। अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर इज ट्रेडिंग अराउंड 101। जब तक ये 102 के नीचे है, इट इज न्यूट्रल फॉर इंडियन मार्केट्स। ज़्यादा कुछ इसमें अभी जब तक कोई या तो मेजर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक ये लग रहा है कि 102, 103 ऊपर एंड नीचे 199 का रेंज में ही रहने वाला है। एंड आई थिंक इसका फायदा जो सबसे ज्यादा होगा वो नेक्स्ट अगर एक क्वार्टर में होगा तो वो होगा मेटल्स कंपनी पे। तो मेटल्स कंपनी पे आप फोकस कर सकते हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एंड हम लोग बस ये एक डिस्कशन के लिए आपको बता रहे हैं सेक्टर एंड ऑल। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई ट्रेड लीजिएगा। कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी या हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर हम यूएस के बॉन्ड मार्केट्स की बात करें, उससे भी पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं, थर्सडे को ट्विटर के स्पेस में प्रकाश सर ने एक बहुत अच्छा एक ट्रिक बताया था जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। उसमें लिखा उसमें उन्होंने बताया था कि यूएस, सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ये वाला वीडियो है हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। एंड उसमें उन्होंने जो बताया था उसमें यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड का डिफरेंस यूएस 10 ईयर बॉन्ड से अगर 0.25 से कम होता है तो आप नेक्स्ट बुल मार्केट देख सकते हैं। फिलहाल ये डिफरेंस 0.5% है। जब तक ये रहेगा ऐसे, जब तक ये डिफरेंस ऐसे ही रहने वाला है, तो हम टिपिकल साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में रहने वाले हैं। अगर ये डिफरेंस कम होता है एंड गिर के 0.25 से 0.3 तक जाता है, तो हम नेक्स्ट बुल मार्केट इंडिया में देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। डिस्पाइट द फॉल इन यूएस मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स इन अप्रैल एंड मई, हमारा मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं। उसका सबसे बड़ा रीज़न, जो मोस्टली सबसे सॉलिड रीजन्स हैं, वो है आपका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा। जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है। कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई भी बड़ी कंपनी का, निफ्टी की कंपनी का कोई भी मेजर एक्सीडेंटल रिजल्ट नहीं आया, बारिंग इन्फोसिस। इन्फोसिस का रिजल्ट थोड़ा खराब आया था जिसकी वजह से स्टॉक की पिटाई भी हुई, बट अब वो गिर नहीं रहा है। इट मीन्स कि वो रिजल्ट अब्जॉर्ब हो चुका है। एंड उसके अलावा और कोई बड़ी कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं आया, तो मार्केट ने वो सबको रिवॉर्ड किया है। एंड ये मार्केट अभी जो है अप्रैल से अभी तक इसने सारे इकोनॉमिक डेटा और रिजल्ट्स को रिस्पेक्ट किया है, और हर पैनिक और हर डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अभी ये आपको क्या करना है, अभी अगर हम बात करें निफ्टी की आज की, तो नेक्स्ट वीक की हम अगर बात करें तो फिलहाल निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। EMA 10 के ऊपर है, EMA 21 के ऊपर है, EMA 63 के ऊपर है, EMA 200 के ऊपर है। EMA 10 की बात करें हम तो 17981 इज EMA 10 लेवल्स।
17808 इज EMA 21, 17683 इज EMA 63, एंड 17610 इज EMA 200। तो अगर हम नेक्स्ट वीक की मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, तो फिलहाल तो पहले तो मैं आपको कल का ही बता देता हूँ। अगर कल आपको मार्केट किसी भी कारण EMA 10 के अराउंड मिले, विच इज अराउंड 17981, और अगर कल मार्केट थोड़ा फ्लैट टू अप अप खुला, तो अराउंड ये आई गेस ये 18,000 के आसपास चला जाएगा। तो मैं कल के लिए अगर हम बात करें तो मेजर सपोर्ट जो है मार्केट्स के लिए वो है 18,000 से लेके 18,050, जो आई गेस फ्राइडे का लो भी है। करेक्ट। तो 18,000 से लेके 18,050 तक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है कल के लिए। और अगर इन केस अगर मार्केट 18,125 18125 के ऊपर ट्रेड करता है, देन यू कैन सी सम शॉर्ट कवरिंग अप टू 18,200। ओके। एंड अगर हम वीकली बात करें, क्योंकि ये वीकली वीडियो है, तो अगर हम बात करें बेस्ट केस सिनेरियो की, तो जैसा कि प्रकाश सर ने आपको थर्सडे के वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 17,800 से 17,830 850 के बीच में आपको मिल जाता है, नेक्स्ट वीक क्या है, कर्नाटक में इलेक्शन है, अराउंड 10 तारीख को वोटिंग है, 13 तारीख को उसके रिजल्ट्स आएंगे, बट 10 की शाम को आपको एग्जिट पोल आई गेस आना शुरू हो जाता है 6-7 बजे के आसपास। तो वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। एंड उसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी जो मीडिया में देखने पे लग रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस कांग्रेस इज विनिंग द कर्नाटक इलेक्शन। तो अगर वो कर्नाटक कांग्रेस कांग्रेस जीतती है, तो वी माइट सी अ करेक्शन इन द मार्केट्स, अगर मार्केट्स में अभी तक ये फैक्टरिंग चीज नहीं हुई है तो। एंड वो तब आपको 17,800 से लेके 17,850 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो मार्केट में कोई ज्यादा पैनिक आने वाला है। एंड 1-2% करेक्शन का जो होता है एंड जैसे कि थर्सडे के वीडियो में प्रकाशन ने आपको बताया था कि निफ्टी में टेस्ट अराउंड 17850 टू 17800 इन मई मंथ एटलीस्ट वंस, और इट विल इधर इधर इट विल गो साइडवेज, जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों से दिख रहा है। तो सपोर्ट मेजर सपोर्ट जो है वो है 17800 टू 850, एंड रेजिस्टेंस 18200 टू 18225 टू 18300 के आसपास। एंड अगर कल की बात करें, तो कल अगर आपको मिल जाता है EMA 10 के आसपास, तो आप एक बाउंस बैक के लिए खेल सकते हैं और ले सकते हैं, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एटलीस्ट फॉर टुमारो। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दैट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग आवर व्यू, दीज आर नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई ट्रेड करें। ओके। एंड अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, तो निफ्टी बैंक में HDFC के न्यूज के बाद कल एक ब्रेकडाउन आया है ऊपरी लेवल से, जिसमें आपने देखा कि निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग बिलो EMA 10, बट जो उसका नियरेस्ट और थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, विच इज अराउंड 14,042,300। निफ्टी बैंक में जो EMA 21 है वो है 42,306, EMA 63 है 41,556, एंड EMA 200 है 40,441। और ये जो ये ब्रेकडाउन आया है कल EMA 10 का, इसका मेन और ओनली रीजन था HDFC बैंक में 5-6% का क्रैकडाउन आया, तो ऑब्वियसली निफ्टी बैंक को गिरना ही था। बट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है ऑन चार्ट्स एंड EMA वो है अराउंड 42,300। हम इसमें अभी डेरिवेटिव डेटा में भी देखेंगे, एंड 42,300 से लेके 42,000 का रेंज जो है निफ्टी बैंक में, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर नेक्स्ट वीक। एंड रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस आपको फिलहाल तो यही रेजिस्टेंस 43,800 से लेके 44,000 का ही मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मार्केट में। एंड
जैसा कि हमने आपको पिछले थर्सडे के वीडियोस में बताया था कि अगर यूएस मार्केट में कोई भी डेटा की वजह से या फिर किसी भी बैंकिंग क्राइसिस या पैनिक की वजह से आपको कोई भी डिप मिले, वर्स्ट केस सिनेरियो हमने आपको बताया था 17,400 टू 17,500, दीज लेवल्स आर आवर विश लेवल्स। इफ दीज लेवल्स कम्स यू कैन इन्वेस्टर्स कैन गो एंड बाय फ्रेश। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो आपको 17,800 17,850 यूएस की वजह से, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से या फिर कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट्स की वजह से आपको मिल सकता है ये वीक या कमिंग वीक्स में। तो वो आपको लेवल ध्यान में रखना है अगर आपको ट्रेडिंग पे ध्यान देना है। तो आपको अभी फिलहाल जो मार्केट है वो सेल ऑन रैली से बाय ऑन डिप्स हो गया है। मार्केट्स में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है नेक्स्ट वीक के लिए तो एटलीस्ट। और अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं मिड वीक वीडियो भी बनाऊंगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे जब भी मौका लगेगा, तो मैं आपको अपडेट दूंगा जो भी हमने कहा था कैसा चला है उसके हिसाब से एंड आपको नेक्स्ट क्या करना है। सो हम कोशिश करेंगे कि वीक में 2 से 3 वीडियो आपके लिए एटलीस्ट मार्केट आउटलुक के ऊपर लेके आएंगे। अगर हम अगर हम निफ्टी के निफ्टी के ऑप्शन चेन ऑप्शन डेटा चेन की डेटा की बात बात करें तो करें तो निफ्टी में निफ्टी में 18,000 अठारह के हजार पे सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा तो तो नहीं नहीं, पर अराउंड अराउंड सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट 45 लाख फुट फुट राइडर्स राइडर्स हैं। हैं। 17,900 17,900 पे पे अराउंड अराउंड 51 लाख 51 फुट लाख फुट राइडर राइडर एंड हैं एंड 17,800 पे 17,800 पे अराउंड अराउंड 50 50 लाख फुट लाख फुट राइडर्स। राइडर्स हैं। अगर हम अगर हम कॉल कॉल लेटर्स की लेटर्स की बात बात करें करें तो तो कॉल लेटर कॉल लेटर आपको आपको 18,000 18,000 पे पे मिल बेच जाएंगे, जाएंगे अराउंड अराउंड 18 लाख। 18 लाख कोई कोई मैटर 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 नहीं था करता। 18,100 18,100 पे पे आपको आपको अराउंड अराउंड सेवेंटी सेवेंटी फोर फोर लाख लाख फुट फुट कॉल कॉल लेटर्स लेटर्स हैं एंड एंड एटीन टू एटीन टू हंड्रेड पे हंड्रेड पे आपको आपको अराउंड अराउंड वन वन हंड्रेड हंड्रेड सेवेंटी सेवेंटीन लाख लाख यानी यानी कि कि 1 करोड़ करोड़ सेवेंटीन सेवेंटीन लाख लाख फुट फुट कॉल कॉल लेटर्स। लेटर्स हैं। तो जैसे कि जैसा मैंने कि आपको मैंने आपको चार्ट में भी चार्ट में दिखा भी के दिखा बोला के था बोला कि था कि 18,125 18,125 अगर अगर 18,125 के 18,125 ऊपर के ऊपर मार्केट मार्केट निकलता है निकलता है तो हम तो थोड़ी हम थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग देख कवरिंग देख सकते हैं सकते हैं अराउंड अराउंड 18,200 18,200 तक, तक क्योंकि क्योंकि 18,200 18,200 पे पे आज आज की की डेट डेट में में हाईएस्ट हाईएस्ट कॉल कॉल राइटिंग राइटिंग है है तो तो अभी तो अभी फिलहाल के फिलहाल लिए के कोई लिए नया कोई नया ट्रिगर ट्रिगर ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा नहीं कि रहा कि कल 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 मार्केट मार्केट 18,200 के 18,200 ऊपर के जा ऊपर जा सके। सके तो जो तो मैंने जो आपको मैंने आपको चार्ट्स में चार्ट्स देख के में बताया देख के वही बताया वही आपको आपको डेरिवेटिव डेटा डेरिवेटिव्स भी भी बता अभी रहे बता हैं रहे हैं और और नीचे नीचे आपको आपको सपोर्ट सपोर्ट आपको आपको साफ 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 दिख दिख रहा रहा है है 18,000 से 18,000 से लेके लेके 17,950 18,050 के रेंज में आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पुट पुट राइटिंग भी दिख राइटिंग भी रही दिख है रही है एंड एंड मार्केट्स मार्केट्स में में ईएमए का ईएमए का सपोर्ट सपोर्ट रूम भी जोन ईएमए भी टेन ईएमए टेन आपका आपका अभी अभी वहां पे वहां पे आसपास है। आसपास है। तो अगर हम अगर हम इसके इसके पीसीआर की पीसीआर बात की करें बात तो करें तो निफ्टी का निफ्टी का पीसीआर पीसीआर अराउंड अराउंड वन 1 पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री फोर था फोर था ऑन ऑन फ्राइडे आई फ्राइडे आई गेस, गेस तो तो वो वो ओवरबॉट ओवरबॉट था। था ओवरबॉट से ओवरबॉट अभी से ये अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये ये ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड जोन जोन तो तो नहीं नहीं कहेंगे कहेंगे बट बट राउंड अबाउट राउंड अबाउट ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड जोन जोन आ आ गया। गया अगर अगर ये ये जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव जीरो पॉइंट जीरो फोर पॉइंट फाइव के फोर फाइव के आसपास आता आसपास है आता तो है तो ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड जोन जोन हो हो जाएगा। जाएगा। वहां से आपको फिर से थोड़ा थोड़ा बाउंस बाउंस बैक बैक 50-100 पचास सौ पॉइंट का पॉइंट का देखने को देखने मिल को मिल सकता है। सकता है। अगर हम अगर हम निफ्टी निफ्टी बैंक की बैंक की बात बात करें करें निफ्टी निफ्टी बैंक बैंक के के ऑप्शन चेन ऑप्शन डेटा चेन में डेटा क्या में क्या दिखा दिखा रहा रहा है है तो तो निफ्टी निफ्टी बैंक में बैंक में आपका आपका 42,661 की 42,661 की क्लोजिंग क्लोजिंग है एंड एंड 42,500 42,500 की अगर की हम अगर बात हम करें बात करें तो तो 42,000 पे 42,000 पे 500 पे 20 20 लाख लाख फुट राइडर्स प्रोपराइटर्स हैं एंड एंड 42,300 पे 4 लाख 4 लाख ज्यादा है। ज्यादा 42,500 पे 42,500 आपके पे 20 आपके लाख 20 फुट लाख फुट राइडर्स राइटर्स हैं एंड अगर हम एंड कॉल अगर हम लेटर्स कॉल की लेटर्स की बात बात करें करें तो तो 43,000 43,000 पे आपके आपके अराउंड अराउंड 39.52 39.52 लाख लाख कॉल कॉल लेटर्स लेटर है एंड अगर एंड अगर हम हम निफ्टी निफ्टी बैंक के बैंक के ऑप्शन चेन ऑप्शन डेटा चेन की डेटा की बात बात करें तो करें तो पीसीआर पीसीआर इसका इसका थोड़ा सा थोड़ा सा ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड जोन में जोन आ जोन में गया आ गया है तो यहाँ से एक यहाँ से बाउंस एक बैक बाउंस बैक देखना देखना आपको आपको देखने को देखने मिल को मिल सकता सकता है है कमिंग कमिंग वीक्स वीक्स में जो जो सपोर्ट रूम सपोर्ट मैंने रूम मैंने आपको आपको बताया बताया फोर्टी टू फोर्टी टू थाउजेंड थाउजेंड थ्री थ्री हंड्रेड हंड्रेड से से लेके लेके फोर्टी फोर्टी टू टू थाउजेंड थाउजेंड के के आसपास आसपास अगर अगर आपको आपको मिलता मिलता है है ये ये निफ्टी निफ्टी बैंक बैंक तो तो वहां वहां से से आपको आपको एक एक सपोर्ट सपोर्ट और और बाउंस बाउंस बैक बाउंस देखने देखने को को मिल मिल सकता सकता है। है। अगर अगर हम हम ऑप्शन ऑप्शन चेन चेन डेटा डेटा के के बाद बाद अगर अगर हम हम ओपन ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट की की बात बात करें करें फ्यूचर फ्यूचर के के तो तो निफ्टी निफ्टी का का अगर अगर हम हम इसमें इसमें तो तो एक एक दिन दिन का का दिखा दिखा रहा रहा है है फोर फोर पॉइंट पॉइंट नाइन नाइन फाइव फाइव
परसेंट चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, बट बट अगर मैं अगर मैं बात बात करूं करूं निफ्टी के निफ्टी के पिछले पिछले 5 दिन 5 दिन वो की वो डेटा डेटा शायद शायद अभी अभी मैं यहाँ पे खोल मैं नहीं पा खोल रहा नहीं हूँ, पा रहा हूँ। बट पिछले बट पिछले 5 दिन की 5 दिन अगर की मैं अगर मैं बात बात करूं तो करूं तो निफ्टी में निफ्टी में सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंटली पिछले पिछले पांच 5 दिन दिन में में ओपन ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट राइज हुआ राइज है हुआ और है और मार्केट मार्केट एक एक रेंज में रेंज है। में है, मार्केट मार्केट एटीन एटीन थाउजेंड थाउजेंड अठारह हजार से लेके 18,200 की दो सौ रेंज की में रेंज था, में था। और अराउंड अराउंड अगर अगर हम बात हम बात करें करें तो तो 9 10 7 4 11 11 तो तो 20 20 22% 22% का परसेंट ओपन ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ा है। बढ़ा है। तो देयर इज अ देयर इज अ हाई हाई पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी दैट अनदर अनदर राउंड राउंड ऑफ ऑफ स्ट्रांग स्ट्रांग मूव मूव माइट माइट कम कम इन इन कमिंग कमिंग डेज। डेज उसका उसका ट्रिगर क्या ट्रिगर होगा? क्या होगा? ग्लोबल ग्लोबल मार्केट से मार्केट से आएगा आएगा या या इंडियन हमारे मार्केट इंडियन में मार्केट में कर्नाटका के कर्नाटका के रिजल्ट्स की वजह रिजल्ट्स से की वजह आएगा से या आएगा कोई या और कोई ट्रिगर और होगा ट्रिगर वो होगा हमको वो हमको देखना होगा, देखना बट होगा, बट एक एक स्ट्रांग स्ट्रांग मूव मूव के के लिए लिए निफ्टी निफ्टी एटलीस्ट एटलीस्ट तैयार तैयार हो हो रहा रहा है। है। अगर हम अगर एफ हम आई एफ आई 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 एस एस की की डेटा डेटा की की बात बात करें करें तो तो एफ आई एफ में कैश एफ आई एफ मार्केट में में कैश अराउंड मार्केट में अराउंड 777 करोड़ की करोड़ की खरीदारी की खरीदारी की थी थी एंड एंड पी आई एस ने पीआईएस ने अराउंड टू अराउंड टू थाउजेंड वन थाउजेंड हंड्रेड वन हंड्रेड नाइनटी नाइनटी एट एट करोड़ की करोड़ की बिकवाली। बिकवाली की थी। जैसा कि हम जैसा कि देख हम रहे देख हैं रहे एफ हैं आई एफ आई आईज आईज हमने हमने आपको पहले आपको भी पहले भी बताया था बताया कि था एफ कि आई एफ आईज आई आर आईज आर नॉट नॉट सेलिंग, सेलिंग, दे दे आर आर फोर्स फोर्स टू टू सेल सेल इंडियन इंडियन मार्केट्स। मार्केट्स एंड एंड एफ एफ आई 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 डी आई आईज ने ने निचले निचले लेवल्स लेवल्स पे पे बाय बाय किया किया था था एंड एंड वो वो अभी अभी आके 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 थोड़ा आके थोड़ा प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग कर कर रहे रहे हैं, हैं, व्हिच इज नॉट बैड। आई मीन वी कैन से कैन दैट से कि दैट कि डी आई आईज अभी अभी आजकल आजकल फिलहाल कुछ फिलहाल कुछ महीनों से महीनों जब से से जब ग्लोबल से ग्लोबल मार्केट से मार्केट से ग्लोबल ग्लोबल पैनिक पैनिक शुरू हुआ है, शुरू हुआ है पिछले पिछले दो दो साल साल से से डी आई आईज स्मार्ट स्मार्ट प्ले प्ले कर कर रहे रहे हैं हैं एफ एफ आई आई आईज। आईज शॉर्ट टर्म शॉर्ट में टर्म एफ में आई एफ आई आईज आईज फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शंस ऑप्शंस में में वो वो अच्छा अच्छा दो दो तीन तीन दिनों दिनों के के लिए लिए उनकी उनकी पोजिशनिंग पोजिशनिंग ज्यादा ज्यादा मैटर मैटर करती करती है, है, बट बट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पर्पस पर्पस से से एंड एंड मार्केट मार्केट के के आउटलुक आउटलुक के के लॉन्गर लॉन्गर टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम में में अगर अगर आप आप देखो देखो एक एक क्वार्टर क्वार्टर के के हिसाब हिसाब से से तो तो डी आई डीआईएस आईज का का आजकल आजकल का का परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कुछ कुछ ज्यादा ज्यादा ही ही अच्छा 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 चल चल रहा रहा है। है। सो सो दैट दैट इज इज इट इट फ्रॉम माय फ्रॉम साइड। माय साइड। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच फॉर फॉर वॉचिंग द वॉचिंग द वीडियो। वीडियो। अगर अगर आपको ये आपको ये वीडियो अच्छा वीडियो लग अच्छा रहा लग है रहा है तो आप तो प्लीज आप लाइक प्लीज लाइक करिए करिए वीडियो को, वीडियो को चैनल को चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए करिए एंड एंड वीडियो वीडियो को को शेयर शेयर करिए करिए अपने अपने दोस्तों दोस्तों के के साथ साथ और और कमेंट कमेंट करिए करिए कि कि आप आप और और किस किस टाइप टाइप की की वीडियोस वीडियोस हमसे हमसे चाहते चाहते हैं। हैं। दूसरी दूसरी चीज चीज प्रकाश प्रकाश सर सर भी भी वीडियोस वीडियोस अब अब रेगुलर रेगुलर बनाने बनाने की की पूरी पूरी कोशिश कोशिश करेंगे करेंगे जैसे जैसे उनको उनको टाइम टाइम मिलता मिलता है। है। तो आप तो आप प्लीज प्लीज नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन बेल बेल आइकन आइकन दबाना दबाना मत मत भूलिए, भूलिए, क्योंकि क्योंकि फिर फिर आपको आपको नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आ आ जाएगी जाएगी कि कि हमने हमने लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो वीडियो अपलोड अपलोड किया किया है। है। डू डू शेयर शेयर आर आर वर्क वर्क विद विद ऑल ऑल ऑफ ऑफ द द मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।